कोरोना महामारी की तीसरी लहर भारत में अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार वो दूसरी लहर की तुलना में नियंत्रित रहेगी। इसके बावजूद अगले एक साल तक महामारी से स्वास्थ्य और जीवन को खतरा बना रहेगा। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो सर्वे में हेल्थ एक्सपर्ट और वायरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, महामारी रोग विशेषज्ञ और प्रोफेसर शामिल थे। अनुमान है कि टीकाकरण से कोरोना की नई लहर नियंत्रित रहेगी। सर्वे में मानना है कि देश में 85% विशेषज्ञों यानी 24 में से 21 का मानना है कि देश में कोरोना की अगली लहर अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि 34 में से 24 यानी 70% विशेषज्ञों का कहना है कि नई लहर पहले की तरह नहीं रहेगी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ये लहर नियंत्रित रहेगी। इसका कारण तेजी से चलने वाला टीकाकरण अभियान है। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार तेज होने के कारण लोगों में प्राकृतिक इम्यूनिटी भी बनी है और इसका लाभ तीसरी लहर में दिखेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।